कल जो कठुआ में हुआ है, इस प्रकार के आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और मुझे आश्चर्य है सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है केंद्र की सरकार को कि सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने हैं। सरकार दावा करती सदन के अंदर लोकसभा में राज्यसभा में कि मामला बहुत बेहतर हो गया है, स्थिति नियंत्रण में है, वहां कोई अब गतिविधि नहीं है, लेकिन हमारे नौजवानों को अगर सीमा पार से शहीद लोग कर रहे हैं और उन पर घात लगाकर हमला हो रहा है, जाने जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का जवाब देना पड़ेगा। हम तो उनकी शहादत को नमन करते हैं जो फौज की वर्दी पहनकर देश की सरहद पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को तो कुछ करना पड़ेगा ना। इस प्रकार गतिविधि बढ़ रही है, आप दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने कश्मीर को बिल्कुल स्थिर कर दिया, हमारे कोई दिक्कत वाली समस्या प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे आतंकवादी घटनाएं अगर हो रही हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि इसको हम लोग चाहेंगे सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण दे, जवाब दे और सख्ती से कार्रवाई भी करे। कल जो कठुआ में हुआ है, इस प्रकार के आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और मुझे आश्चर्य है सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है केंद्र की सरकार को कि सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने हैं। सरकार दावा करती सदन के अंदर लोकसभा में राज्यसभा में कि मामला बहुत बेहतर हो गया है, स्थिति नियंत्रण में है, वहां कोई अब गतिविधि नहीं है, लेकिन हमारे नौजवानों को अगर सीमा पार से शहीद लोग कर रहे हैं और उन पर घात लगाकर हमला हो रहा है, जाने जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का जवाब देना पड़ेगा। हम तो उनकी शहादत को नमन करते हैं जो फौज की वर्दी पहनकर देश की सरहद पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को तो कुछ करना पड़ेगा ना। इस प्रकार गतिविधि बढ़ रही है, आप दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने कश्मीर को बिल्कुल स्थिर कर दिया, हमारे कोई दिक्कत वाली समस्या प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे आतंकवादी घटनाएं अगर हो रही हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि इसको हम लोग चाहेंगे सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण दे, जवाब दे और सख्ती से कार्रवाई भी करे। कल जो कठुआ में हुआ है, इस प्रकार के आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और मुझे आश्चर्य है सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है केंद्र की सरकार को कि सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने हैं। सरकार दावा करती सदन के अंदर लोकसभा में राज्यसभा में कि मामला बहुत बेहतर हो गया है, स्थिति नियंत्रण में है, वहां कोई अब गतिविधि नहीं है, लेकिन हमारे नौजवानों को अगर सीमा पार से शहीद लोग कर रहे हैं और उन पर घात लगाकर हमला हो रहा है, जाने जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का जवाब देना पड़ेगा। हम तो उनकी शहादत को नमन करते हैं जो फौज की वर्दी पहनकर देश की सरहद पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को तो कुछ करना पड़ेगा ना। इस प्रकार गतिविधि बढ़ रही है, आप दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने कश्मीर को बिल्कुल स्थिर कर दिया, हमारे कोई दिक्कत वाली समस्या प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे आतंकवादी घटनाएं अगर हो रही हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि इसको हम लोग चाहेंगे सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण दे, जवाब दे और सख्ती से कार्रवाई भी करे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।